अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल, देख रहे हैं शब 21 ऑन के 21 न्यूज़। रोजाना लाइव 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। जो जो जहां जहां मौजूद है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। और जिंदगी दोस्तों अपनी जगह बहुत शानदार है, कमाल की है, बिल्कुल कमाल की है। चाहे इसे कमाल की समझे या ना समझे, गुजारना वक्त उतना ही जितना रहना है, तो उसको अच्छा समझना जरूरी है। जो चीज़ें दस्तियाब हैं उसको बेस्ट बनाना ज़रूरी है। और जो है ना कि अपनी मर्जी ना, अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से चले, बेहतर तो है दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें बेदिल लगी चले। और मोर टाइम खुशामदीद, आज निहारी बना रहे आप सबके लिए। बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की थी, तो इंशाल्लाह निहारी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी टू मेक निहारी। लगभग दोस्तों हम चिकन मौजूद है हमारे पास 300 ग्राम, ठीक है जी, 300 ग्राम चिकन है। स्पाइसेस इसके बहुत खास होते हैं। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, साथ ही ऐड करना है सौंठ, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट ऐड नहीं करना, सौंफ, चिकन पाउडर, काला ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई, अदरक लहसुन, प्याज और आटा। इसमें भून कर हम मैदा और ये जो घी को भून कर ऐड करेंगे। तो प्रोसेस की तरफ चलते हैं, चूल्हा ऑन किया। सवाल है जी, पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है? द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान, ये आप बताएंगे कॉल करके, ठीक है जी। तो मिसेस आबदी साहब की फरमाइश पर मना रहे हैं ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम साहब बात कर रहे हैं जी। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मनाने आज मेरी तारीख। क्या बात है, क्या बात है। नहारी वैसे मुझे भाई इसमें अच्छी लगती है, इसमें बीफ में ज्यादा मजा आता है। बीफ और बॉन के गोश्त में? जी हाँ जी हाँ। क्या बात, क्या बात। अच्छा इब्राहिम साहब, नेशनल डिश कौन सी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नेशनल डिश है दाल चावल। दाल चावल जी? तो नॉर्मल दाल चावल या कोई स्पेशल दाल है जो नेशनल डिश में आती है, मूंग की या मसूर की या माश की? मेरे ख्याल तो दाल चावल ही है, ये नहीं पता भाई कि मूंग की है या मसूर की या माश की है, लेकिन दाल चावल है नेशनल डिश। जी हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चले सही हो गया। और आज कुछ सुनाएंगे आप पाकिस्तान में, देखना शानदार चीजें हो रही है। अच्छा भाई चले मैं सुनाता हूँ। डाइजेशन आपका एक है भाई, मुझे अच्छा लगता है, आप सबकी नजर है। जी जी प्लीज प्लीज। बात रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली। वाह वाह वाह। खुदा से मांग दी मैंने तेरी वफा सनम, काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में गुजार लूं, वक्त भरी तुझी के साथ जहां भी अपनी वार, शायद किसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। और भाई थैंक यू, तो हमसे आवाज़ आ रही है आपको सईद साहब? अच्छा अच्छा जी, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू इब्राहिम साहब, बहुत खूबसूरत बना रहे हैं निहारी। मोर्ग में बना रहे हैं, आप चाहें तो मटन में, बीफ में, हमने पाया निहारी भी बनाया था यहाँ पे, मजे की थी, ये भी ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस जारी है, इसको हल्का ये ब्राउन करेंगे नॉर्मल आंच पे, कलर आएगा, खुशबू भी इसकी रचेगी। प्रोसेस है जारी, जब तक प्याज ब्राउन हो रही है आपको बताएं, यहाँ पे मुर्ग मौजूद है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन मैरिनेट कर लेते हैं। एक
और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन ऐड किया। चिकन के अंदर अदरक लहसुन को ज़रा मिक्स कर लीजिएगा ताकि सब चीज़ों का जायका इसकी गोश्त के अंदर रचे, जो अपनी जगह ज़रूरी है। कुछ देर रखिएगा। प्याज हो रही है ब्राउन, निहारी बन रही है। नेशनल डिश कौन सी पाकिस्तान की, या बता रहे हैं कॉल करके। ठीक है जी, तो यहाँ इस तरह प्रोसेस है जारी। बिल्कुल इसे लाइट ब्राउन कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं निहारी के, जिसमें सौंठ, सौंफ और जीरा, ये चीज़ें बहुत ख़ास होते हैं। और साथ ही इसकी ख़ास बात ये भी होती है कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। सेहत के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। और निहारी के सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जब हम इसे अनहेल्दी तरीके से बनाते हैं या ख़राब क्वालिटी का ऑयल या घी ऐड करते हैं तो फिर हो सकता है कि नुकसानदेह हो जाए, लेकिन वैसे नहीं। फेसबुक पर शेफ 21 K21 न्यूज़ का हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आपको सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आपको रोज़ाना वीडियोस मिल जाती हैं जो हम पोस्ट करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना बस। उसके बाद जो ये गोश्त है ये ऐड करते हैं इसी के अंदर। बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं रखिएगा, बस आहिस्ता से कलर आ जाए, फिर इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। आँच बिल्कुल कम रखिए। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। दोस्तों ये ज़ीरा पान वाला 1 चाय का चम्मच, सॉरी ये सौंफ शामिल की, सौंफ के बाद ज़ीरा ऐड करते हैं, ये भी 1/2 टीस्पून। लाहौरी नमक ऐड करना है, साथ ही ब्लैक क्यूमिन। और ये आज की खास रेसिपी हमारे हुबा सिद्दीकी एंड लुबना की फरमाइश थी, तो आज हम बना रहे हैं, लेकिन हम खुद इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करते हैं, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, हल्का सा चिकन पाउडर, इससे ज़रा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। ऐड करने के बाद मिक्स इट वेल ताकि सभी चीज़ों का जायका रचे। जिंदगी यकीनन हसीन लगती है जब अपनों का साथ हो, तो ये बात बिल्कुल सच है जी। आप सभी हमारे अपने, खुशबू बहुत आला। चूल्हा बिल्कुल कम करें, एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद आएंगे, सफर रखेंगे जारी, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। निहारी बना रहे हैं जी। सौंठ वन ऑफ दी बहुत अहम इंग्रेडिएंट टू मेक निहारी। इसको हल्का सा चॉप करते हैं और इसका अमेजिंग आला खुशबू आती है जब आप इसको ऐड करते हैं निहारी में। तो ज़रा सी क्रश किया सौंठ को, इसी में ऐड करते हैं सौंठ भी, इसकी खुशबू ही अलग होती है जी। मिक्स इट वेल, फिर से बताते चले निहारी के लिए। ऑयल में प्याज, अदरक लहसुन ब्राउन किया, चिकन ऐड किया, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, नॉर्मल नमक ऐड नहीं करना, लाहौरी नमक शामिल किया, हल्का सा चिकन पाउडर, सौंठ ऐड किया, लाल मिर्च, हल्दी, कुछ देर भुनाई की। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं गरम पानी। अलहदा से एक पैन मौजूद है हमारे पास, इसमें ऐड करते हैं घी लगभग 1 कप,
हल्का सा ऑयल भी मिला लीजिए ताकि ठीक से तैयार हो। और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ हुमा, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन आमीन, बस दुआओं की जरूरत है हम सबको, पूरे पाकिस्तान को। बेशक बेशक, दुआओं से तो चल रहे हैं हुमा, पाकिस्तान दुआओं से चल रहा है, पाकिस्तान दुआओं से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी हुमा यकीन करें, तीन चीजें ना, निहारी, कुन्ना और पाए, ये बचपन से बहुत पसंद है। लेकिन ये होता है कि अच्छे हों, हेल्दी हों, सेहत के लिए भी अच्छे हों, है ना? नहीं सही बात है। तो ये जरूरी होता है, थोड़ा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैं अमूमन घरों में भी मतलब हाँ सफाई का भी, और इंग्रेडिएंट्स या ऑयल अच्छी क्वालिटी का हो तो बेसिक चीजें सही हो ना। ये मेन है जी, जी जी मेन जो है ये ऑयल है, ये अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुमा, हमारा सवाल भी है कि पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है? नेशनल डिश निहारी है। निहारी है जी जी। लास्ट कॉलर ने कहा कि दाल चावल है। नहीं दाल चावल नहीं है, इतना तो मुझे पता है, नहारी है। नहारी, अच्छा अच्छा, चलें आपका हुमा जवाब भी आया है। तो बताइएगा, लास्ट में बताइएगा आंसर, करेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब मुझे तो पता है वैसे, मतलब मैं नहारी है। अच्छा जी, अच्छा जी, सवाल आया है कि अगर आज पाए बना रहे होते तो आपका जवाब क्या होता? पाए होता क्या? नहीं, जो डिश है, जो मतलब नेशनल डिश है, मैं उसी का नाम लेती ना। मुझे मालूम है आप बहुत क्रिएटिव हैं हुमा, हमें आपकी काबिलियत पे शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इसलिए आपको रखा है टीचिंग के शोबे से ताकि आप बच्चों को ट्रेन करें। नहीं नहीं सही कह रही हैं, अल्लाह पाक का मतलब है कि एहसान है मालिक का, कि अल्लाह पाक ने कैसा रुतबा दिया हुआ है कि अच्छा लगता है कि हम जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। आप ग्रेट हो मैडम, आप ग्रेट हो, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, खुश रहें। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ये दोस्तों, ये घी के अंदर मैदा ऐड करते हैं, बहुत से लोग कच्चा मैदा ऐड करते हैं, कभी भी ऐसा ना करें, भून कर ऐड करें। आप देख लेते हैं जी, ये टेक्सचर कंसिस्टेंसी, ये घी के अंदर मैदा ऐड किया और आई थिंक ये सही तरीका है, बल्कि बेस्ट तरीका यही है कि आप भून कर ही ऐड करें। आप कच्चा मैदा इसमें ऐड ना करें निहारी में कभी भी, चाहे बीफ निहारी हो, मटन हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी मीट हो, लेकिन इस तरह भून कर ऐड किया जाए। ठीक है जी, भून कर ऐड करें ये मैदा। और निहारी वो होता है इसमें ग्रेवी मर्जी होती है, कम ज्यादा कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है ना? तो ये मर्जी आपकी कि कितनी बनाना चाह रहे हैं। और मेरा दिल चाह रहा है जिसको खाने का, एंजॉय करने का, इंशाल्लाह तो उसे एंजॉय करेंगे। और मुझे तो उसकी ग्रेवी बहुत पसंद है निहारी की। खैर, भून लीजिए, और भुनाई के बाद ये इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसके अंदर ऐड करना है, और ताकि इसका निहारी कोई थिक भी हो जाए, और आखिर में जो आता है धनिया, अदरक, नींबू, ये सब चीज़ें कमाल होती हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर ऐड करते हैं ये एक घी और आटे को भून लिया था, आपकी इजाज़त हो तो शामिल कर लें जी। ये जी शामिल करें, जबरदस्त। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा थिक हो जाएगी तो ये इतना काफ़ी है। ऑयल भी ज़रा ऐड करते हैं। ठीक है जी, करते हैं इससे ज़रा मिक्स। दोस्तों ये आपके सामने, आपके लिए, हम सब के लिए बनाई है निहारी। सवाल भी पूछा पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी, जवाब इधर है।
कवर करते हैं जी, दम पर रखते हैं और साथ ही टूवर्ड्स ब्रेक चलते हैं। ब्रेक के बाद सैलेड बनाएंगे, निहारी को पेश करेंगे, जवाब लेंगे आपसे नेशनल डिश कौन सी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद, देख रहे हैं शव 21 ऑन के 21 न्यूज। कवर हटाते हैं जी, निहारी माशाल्लाह। अपने हाथ से कुकिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने हाथ की बनी हुई डिश खाने में मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ना कि अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कौन होते हैं, आई डोंट नो। ठीक है जी, खैर इसको ज़रा और दम पे रखेंगे। और चीज़ें सभी ऐड कर चुके हैं, ये हमने इसमें सौंठ भी ऐड किया था, ज़ीरा भी, सौंफ भी, काला ज़ीरा भी, नमक भी, चिकन पाउडर भी, नमक लाहौरी ऐड किया था, हल्दी भी। खैर इसकी गार्निश की तैयारी करते हैं, उसके बाद सैलड बनाएंगे। लास्ट ब्रेक है तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास। सब्ज धनिया कर रहे हैं चॉप, सब्ज धनिया के साथ लेमन, नींबू ऐड करते हैं। मुझे पसंद नहीं है जी निहारी में नींबू ऐड करना, मिर्ची अच्छी लगती है, मिर्ची बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है जी, मिर्ची और अदरक भी बहुत कमाल की चीज है अगर ऐड की जाए तो। ठीक है जी, तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे धनिया अदरक और ये टू वर्ड्स प्रेजेंटेशन चलते हैं, निहारी निकालेंगे पेश करेंगे और ना जाने कितना टाइम है हमारे पास। इस लॉन्ग प्लेटर में आज निकालते हैं निहारी। दोस्तों ये देख रहे हैं आप जी, माशाल्लाह निहारी हो चुकी है तैयार, इसे निकालते हैं, यही ले आते हैं प्लेटर। क्या बात है जी, तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह कुछ लेमन, सब्ज धनिया और मिर्चें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, निहारी हो चुकी है तैयार और इमली का एक खास सैलड कर रहे हैं तैयार। ठीक है जी, टू वर्ड सैलड चलते हैं, वक्त इतना ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से, तो इमली का सैलड बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी जरा देखिए और नोट कर लीजिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी सैलड तैयार करने के लिए। पहले बाउल को बिल्कुल ये
इस बॉल को खुश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इमली बहुत खास है, इमली का पल्प। इमली को हमने रात भर पानी के अंदर सो करके रखा, उसके बाद उसका बीज निकाल लिया है, उसमें सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन मिला कर रखी है जी। सफ़ेद ज़ीरा अजवाइन इमली के अंदर, और देखें अच्छा सा पल्प, खटास इसकी वजह से दिल को ललचाए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है जी। इसका सैलड बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए पहले खीरा काट लेते हैं, कुकुम्बर, दो पीसेस, चार, और इस तरह से क्यूब काटना है। इस बाउल के अंदर ऐड करते हैं खीरा, एक और वन मोर कुकुम्बर, दो पीस के बीच से, छोटे छोटे क्यूब काट। ठीक है जी, छिलका पील ऑफ नहीं करना, खीरे को ऐसे ही छिलके के साथ ही काटना, और इसके साथ ही प्याज, प्याज को इस तरह चार पीस छोटे छोटे क्यूब काट देते हैं। मीडियम साइज की प्याज एक और है। एक टमाटर। अच्छा जी, जो आपको फाइव स्टार होटल्स में सैलड मिलते हैं, सीजर सैलड और काफी इस टाइप की चीजें, उसमें यही चीजें होती हैं, कोई बहुत ज्यादा कोई आसमानी चीजें नहीं होती, लेकिन बहुत महंगे सैलड मिलते हैं आपको। तो ये घर की किचन में ये देसी इंग्रेडिएंट के साथ आप कमाल के सैलड बना सकते हैं। जरा सब धनिया ऐड किया, शिमला मिर्चें, मीडियम साइज की, ये शिमला मिर्च भी ऐड किया। ठीक है जी, और ये देखिए खास इमली को सोख करके रखा था, इसमें अजवाइन और जीरा है, ये इमली इसके अंदर ऐड करते हैं जी। दिल को ललचाए और बहुत चटपटापन इसके अंदर आपको फील होगा। हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा नमक, फिर से मिक्स किया, इमली जरा और ऐड कर रहा हूं ये, और आखिर में क्रिस्पी पापड़ी कुछ ऐड करते हैं इसी के अंदर, मिक्स कीजिए, और देखें आपको चख के बताएं इमली की खटास कैसी है। वाह मजे का जी। राउंड प्लेटर में निकालते हैं, की सरफेस पे जरा सलाद पत्ता, क्रिस्पी जो पापड़ी थी, ये ऑन द टॉप भी कुछ ऐड करते हैं। ठीक है जी, निहारी हो चुकी है तैयार, और इसे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बाकी चीजों को करते हैं रिमूव, थैंक यू एवरीवन। कल मुलाकात होगी, जरूर ट्राई करें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, सफाई का जरूर ख्याल रखें जी। इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।